हेलो पुष्पा, कितना लेगी एक रात का? देखो कैसे बैठा हुआ है। पुष्पा नाम सुन के लड़की समझाए क्या? लड़का है मैं। सॉरी भाई, गलत जगह फोन लग गया। चल फोन रख। पुष्पा को सब लड़की समझ लिया साला। कौन था वो? पता नहीं कौन था साला। पुष्पराज 12 लाख से कम में जमीन बेचेगा नहीं साला। लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं भाऊ। तो चल निकल यहाँ से। 12 लाख में भाव। मेरे को एक सवाल पूछना था तेरे से। हाँ बेटा पूछ। ये गले में कैसे करते रहते हो आप? खुजली हो गया साला। तो मैं खुजा दूँ क्या? हाँ साला। खुजली है भाई, खुजली है, खुजली है भाई, खुजली है। ये इधर भी होती है, ये उधर भी होती है, ये इधर भी होती है। खुजली हो रहा है। ये कौन है रे? ये कैमरा मैन है भाव। इसको मैंने बुलाया। किस लिए? वो अपने 50 लाख का जमीन खरीदा है ना। हाँ, उसके एग्रीमेंट के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ओ अच्छा अच्छा, चल चल खींच खींच खींच, गोरा खींचना। ठीक है ठीक है भाऊ, थोड़ा सीधा हो जाओ, सीधा थोड़ा और सीधा हो जाओ, सीधा। अब ऐसा ले कंधा तो सीधा कर। ये पुष्पा राज का कंधा है, कभी सीधा नहीं होगा साला। उस पर आज का कंधा है, कभी सीधा नहीं होगा। मेरा फोटो कैसा आया? एक काला आया बहू। काला आया? तू किस खुशी में खुश हो रहा है? मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि मेरा फोटो काला आया। अबे तू काला तो काला ही ना आएगा। चल मैंने माना कि मेरा फोटो काला आया, लेकिन तू बोल देता कि मेरा फोटो गोरा आया तो तेरा क्या जाता? कम से कम 2 पल की खुशी तो मिलती ना। आइडिया तो अच्छा, लेकिन अपने दिमाग में आया नहीं था भाऊ। हाँ हाँ, दिमाग में क्यों आता? इससे मेरा फोटो पे 4-5 लाख आ जाता, मैं फेमस हो जाता, स्टार बन सकता था। तुम नहीं सुधरेगा। तेरी झलक शर्फी श्रीव रिंगटोन है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आज शाम 4 बजे आ जाना। ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक रख। रिंगटोन आ गया, सोच रहा है गाना आ गया। रोक। लाइसेंस कहाँ है तेरा? पुष्पराज, मैं लाइसेंस दिखाएगा नहीं साला। नहीं दिखाएगा बे? क्योंकि है ये नहीं है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है? ए गाड़ी जब्त कर, इसकी गाड़ी जब्त कर। लाइसेंस है ये नहीं, पकड़ो। जब्त कर लिया। ए साहब, लाइसेंस लेके आता हूँ ना मैं, लेके आप थाने। कोई 1 लाख की ले गया थाने में। ये ले 10 रुपए, जा एक और लेके आ। 10 रुपए? चल जाके लेके आना। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। 10 रुपए गाड़ी ले, 10 रुपए गाड़ी लाने गया, देखते कौन सा गाड़ी लाता। गाड़ी कहाँ है बे? नीचे नीचे गाड़ी। ये गाड़ी है तो 10 रुपए में इतना ही बड़ा गाड़ी आएगा। बैठिए। मैं झुकेगा नहीं साला। अब धक्का मार के ले जा रहा है। चल यहाँ अपना बोर्ड गाड़। लेकिन ये तो पुष्पराज का जमीन है।
पुष्पा हो या पुष्पा राज, जिस जमीन पर कोंडा रेड्डी पैर रखता है वो जमीन कोंडा रेड्डी को हो जाता है। चल वोट कर। पुष्पा राज की जमीन पे कोंडा राज की कब्जा। तेरे को ये जमीन दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जमीन पुष्पा राज का है। इतना बड़ा जमीन? हाँ भाव, इतने बड़े जमीन का आप करोगे क्या? ये जमीन में बाथरूम बनाएगा। इतना बड़ा जमीन में बाथरूम बनाओगे? हाँ। कितना हकता है रे? पुष्पा, पुष्पा राज एक दिन में 10 किलो हकता है साला। जा लोटा ले गया। हगने जा रहा हूँ साला। एक दिन में 10 किलो हकता है। ए भाओ, बहुत बोलते थे झुकूंगा नहीं झुकूंगा नहीं, अब तो झुकना पड़ेगा। अरे ये सब काम में झुकना चाहिए? तू नहीं समझेगा। केशव, हाँ ये जो जमीन दिख रहा है ना, हाँ ये भी जमीन बहुत जल्द अपना तूने। हेलो, कोंडा रेड्डी ने पुष्पा राज की जमीन पे कब्जा कर लिया है। अच्छा पुष्पा भाव, आपके जमीन पे कोंडा रेड्डी ने कब्जा कर लिया। अच्छा पुष्पा की जमीन पे कब्जा, कोंडा रेड्डी अब मार खाने के लिए हो जा रेडी। कंधा हो गया टेढ़ा। कोंडा रेड्डी, जिस जमीन पे तूने वोट गाड़ा है वो जमीन पुष्पा राज का है। कोंडा रेड्डी जिस जमीन पे पैर रख देता है वो जमीन कोंडा रेड्डी का हो जाता है। पुष्पा, पुष्पा राज जो मेरा जमीन पे पैर रखेगा उसका पैर काट डालेगा साला। देख क्या रहा है, जा साला को मार के उसका कंधा सीधा कर दो। आ जाओ साला। पुष्पा नाम सुन के लड़की समझाए क्या? दोस्तों कैसे लगे वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करे दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन ऑल भी कर दे, क्योंकि इस प्रकार की कॉमेडी वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।